हेलो दोस्तों, अगर आप जो है सऊदी अरबिया में चाहे किसी दूसरे देश में रहते हो और वहाँ पे दोस्तों काम करते हो, जो काम करके पैसे कमाते हो वो आपको बैंक से भेजना चाहिए कि हुंडी से भेजना चाहिए, किससे अगर आप पैसे भेजते हो तो आपके मुल्क में आपको कुछ पैसे ज़्यादा मिलेगा, किससे आपको जो है सही तरीका से पैसे मिलता है, कौन सा सही तरीका है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हुंडी सही है कि बैंक के थ्रू पैसा भेजना सही है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों हम हुंडी के बारे में बात करते हैं। जो लोग किसी दूसरे देश में काम करते हैं वो लोग समझ गए होंगे हुंडी होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप हुंडी से पैसे भेजते हो अपने मुल्क में तो आपको आपके मुल्क में 1000 से 2000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है, एक्सचेंज जो है ज़्यादा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप सऊदी का एक रियाल अगर इंडिया में बेचते हो तो इंडिया में शायद 21.5 के आसपास मिलेगा एक्सचेंज रेट। अगर आप हुंडी से बेचते हो एक रियाल तो इंडिया में दोस्तों आपको सीधा 22 रुपया मिलेगा, तो 50 पैसे का जो है आपको फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हुंडी का सिस्टम है उससे पैसे ज़्यादा मिलता है, लोग जो है लालच में आके हुंडी से पैसे भेजते हैं। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों गवर्नमेंट अगर यहाँ की कहीं की भी अगर आप जहाँ पे रहते हो हुंडी से भेजते हो अगर पता चल जाए तो दोस्तों आपको सीधा जेल में उठा के डाल देगी। अब क्यों डालेगी दोस्तों, जो लोग हुंडी का काम करते हैं, जो आप पैसे देते हो हुंडी वाले को, वो दोस्तों वो टैक्स चोरी करते हैं। वहाँ पे देश के अंदर जो है ना टैक्स का पैसा जो होता है वो चोरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा जो है टैक्स का नहीं दे रहे हैं, वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पता चलेगा तो उन लोगों को उठा के पैसे के साथ उनको जेल में डाल देगी, और जो आपने पैसे दिया है हुंडी वाले को आपका पैसा भी नहीं मिलेगा, डूब जाएगा। और दोस्तों अगर आप हुंडी से पैसे भेजते हो तो आपका जो है देश का नुकसान है। क्यों नुकसान है दोस्तों, जो पैसा है आप अपने देश के इकोनॉमी में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इलीगल हो गया, लीगल नहीं हो गया दोस्तों गैर कानूनी हो गया, कानूनी नहीं हो गया। तो अगर आप पैसे हुंडी से भेजते हो तो प्लीज मत भेजें, इससे देश का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश के जो लोग हैं कुछ महीने पहले वो लोग क्या करते थे कि ज़्यादा पैसे जो है हुंडी से भेजते थे अपने मुल्क में, तो वहाँ पे दोस्तों उनको 2000-3000 रुपये ज़्यादा मिलता था। इसी के लालच के चक्कर में वो लोग हुंडी से पैसे भेजते थे। तो वहाँ की जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है शेख हसीना, उन्होंने कानून लागू किया कि जो लोग जैसे कि किसी दूसरे देश से पैसा बांग्लादेश में भेजते हैं बैंक में, तो उनको जो है 2000 रुपया ज़्यादा दिया जाएगा। तो जितने भी बांग्लादेश के भाई हैं वो लोग क्या करते हैं, अभी सीधा जो है बैंक में पैसे भेजते हैं और दोस्तों उनको 2000 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो हुंडी छोड़ के सीधा जो है बैंक से भेजते हैं। तो देश का जो है इकोनॉमी बढ़ रहा है, आप बांग्लादेश का इकोनॉमी चेक कीजिएगा, अभी बहुत ही सही है। ठीक है, तो अगर आप बैंक से पैसे भेजते हैं बैंक से बैंक, तो आपका जो है देश का इकोनॉमी में जो है साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इससे दोस्तों देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है, यही कानून दोस्तों जो बांग्लादेश का जो शेख हसीना है उन्होंने जो कानून लागू किया है, हर देश को करना चाहिए, जिससे जो लोग हैं लालच के चक्कर में आके बैंक में पैसे भेजें तो जिससे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बैंक का तरीका बताता हूँ। अगर आप बैंक से किसी दूसरे देश में रहते हो और वहाँ पे पैसे भेजते हो, बैंक से किसी अपने देश में पैसे भेजते हो बैंक में, तो दोस्तों आपको एक्सचेंज रेट थोड़ा कम मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपको जो है ना डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा पैसा, और प्लस दोस्तों देश का इकोनॉमी में आप सपोर्ट कर रहे हो, इससे देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है। जो आप पैसे भेज रहे हो, मान लीजिए आपने आज जो है सऊदी से पैसा भेजा इंडिया में, और जो आपने पैसा भेजा है वो दोस्तों तुरंत जो है आप बैंक से नहीं निकाल सकते हो, तो पैसा दोस्तों गवर्नमेंट के पास जाता है और वही पैसा दोस्तों गवर्नमेंट किसी दूसरे चीज़ में यूज करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा देश जो है आगे जाता है, इकोनॉमी जो है मजबूत होती है, और दोस्तों आपका पैसा भी जो है सेफ रहेगा। तो कभी भी दोस्तों अगर आप हुंडी से पैसे भेजते हो तो बिल्कुल जो है इन चीज़ों को ध्यान देना है कि आप जो है ना देश को नुकसान पहुँचा रहे हो। बैंक से भेजिए, जिससे दोस्तों देश का जो है भला होगा, देश का फायदा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।